भारत जैसे देश में रहने के बाद कितने बड़े दुख की बात है कि जो एक धार्मिक देशों में गिनती आती है पूरी दुनिया में, उस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्होंने ये कह दिया कि भागवत के शब्द और यज्ञ के हवन हमारे कान में नहीं आने चाहिए। कल कहा था हम नहीं सुनना चाहते, हमारे कान तक आवाज नहीं आनी चाहिए। तो एक बार ऐसा था, कुंवरपाल सिंह जी के एक व्यक्ति चोरी करता था, चोरी कर कर के अपने परिवार को पालता रहा। तो वहां को जब बेटा सामर्थ्यवान बहु तो वहां पर बेटा से कही कि एक बात ध्यान रखिए, कहीं कथा भागवत मन सुनिए। कि क्यों? कि तू बात सुने हो तो चोरी ना करे हो तो फिर बालक का इत पाले हो, तद सुनबे ही मन जाइए। मन वो ही बात गांठ बांध ली कि पिताजी मने कर गए, कथा मन सुनिए। एक दिन वो चोरी करके ला रहा था, सामने कथा हो रही थी, रास्ता बनी हुई थी, रास्ता ही पे होकर के जा रहा था। वान की बिचू कथा है रही हो, पिताजी मने कर गए, अब क्या करूं। सुबह ने वो चोरी करके लाओ, वो पुटरिया तो हल्ले शीश पर दो कानन में उंगली दे दी कसके का, मैं सुन लू कोई शब्द पल्ले न पच जाए। कथा के बिल्कुल ठीक सामने आके पैर में ठोकर लगी, सो वो पुटरिया गिरी जाती तो बुप पकड़ी उन्हें दो हाथों से, दो कान खुल गए। जब दोनों कान खुले उसी समय पंडित जी कह रहे थे कि देवताओं के परछाई नहीं होती, यह शब्द निकला पंडित जी के मुंह से, बस वही शब्द कान में पड़ गया। फिर लेकर के फिर उन्होंने पे दो कान मूंद ले। अब चोरी भाई तो राजा ने इंक्वायरी करी कि चोरी कौन करके ले गया है। जमाने जितने भी नाम था चोर है सब पकड़वा लिए सवेरे और सब लाइन में लगा दे। अब चोरी तो करी एक ने, अब राजा का हुक्म था, राजा ने कही के ऐसे नहीं बताएंगे किसने की है कि तो कि मंदिर में तो काली निकलेगी और वो काली जाकर के असली चोर पे हाथ रख देगी। अब काली बना दे ऐसे हमारे कुंवरपाल चाचा जैसे वैसे ही नकली, सो बिना के हाथ में एक तलवार दे दी और कार और मोकर को खप्पर लेके भी बना के लिकारे का, तुम चिंता मत करियो डर के माया पाया आप बतावे हो जो चोर हुए उस वही। अब काली बन के जो मंदिर में तो निकले, अब सब चोर लान में लगे ठाणे, अब करी तो एक उन नहीं कि असली चोर पे काली हाथ रखेगी। जैसे वो काली बन के निकल के आ रहा था आदमी मंदिर से, परछाई पड़ती आ रही थी जमीन पर। अब बात याद आ गई कथा वाली, कब पंडित जी ने कही कि देवताओं के परछाई नहीं होती, सोई विश्वास हो गया कि जी असली काली नहीं है, जी नहीं है असली, सोई सीना तान के ठाणे आ गए हम न्यू नहीं करी। अब काली चक्कर चारों रंग लगावे हाथ धरे कि नपे, सो झूठो सांचो जाए कि एक वैसे ही हाथ धद्दो के जाने करिए चोरी। अब भीतर से आत्मा हिल गई कि चोरी करी है मैंने और हाथ रख गया इस पे, सजा ये पा रहा है और चोरी की है मैंने। बस उसी समय राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि महाराज अब तुम सजा दो या छोड़ दो, लेकिन चोरी मैंने की है इसे सजा मत दो। पर मन में विचार किया कि आज मैं एक शब्द कान में पड़ गया था उस पोटरी के चक्कर में, उससे तो आज मेरी जान बच रही थी और कथा मन से सुनी जाती तो कितना मिलता। तो पता नहीं कौन सा एक शब्द ऐसा निकल जाए जो आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हो जाए। तो अरे चलो सब बातें ना अच्छी लगें तो कोई एकाध बात तो अच्छी लगेगी, वो जो अच्छी लग जाए भाई ये ग्रहण कर लो, बाकी मतलब की ना बात छोड़ दो। पर बात तो जी है कि हमारे कान तक ही ना आनी चाहिए, अब जाको का इलाज करो। बेउजा भारत में रह रहे हैं, राम और कृष्ण जैसे अवतारों को गाली दे रहे हैं वो भी इस भारत में रह रहे हैं, जबकि पहचानी भारत की राम और कृष्ण जैसे अवतारों से है, इन्हीं अवतारों से पहचान है, ऐसा अवतार पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ, तो इतिहास देख लो। तो हस्तिनापुर में ये कौरव और पांडव, धृतराष्ट्र महाराज ने ये उपाधि दी थी कौरवों की,
जब आपस में कलह रहने लगी तो इस वंश का बंटवारा भी किया गया। 40 गांव पांडवों को दे दिए गए थे, समस्त राजधानी का युवराज जो बना दिया वो दुर्योधन को बना दिया। लेकिन फिर भी उस पापी को चैन नहीं पड़ा, विदुर जी को भेज करके उसने पांडवों को बुलाया, जुआ का खेल कराया। उस जुआ के खेल में पांडव समस्त संपत्ति को हार गए। इस बात को ध्यान रखना, जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो। कितना बड़ा खेल है, एक बार 1,00,000 को दाव लगा दो, पत्ता सीधो पर हो तो लखपति हो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो। मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर का भोजन भारी होता है, काउदना का त्योहार पे फौजी का उतरने को कुमरपाल चाचा को तो आ जाए बुखार, और बाई दिना भर के थारी खवा दो खीर, सवेरे राम राम है। हाँ, खीर जैसा भोजन नहीं, अगर बीमार ना हो तो। लेकिन वो जुआ का खेल हुआ, जुआ का खेल हुआ। उस जुआ के खेल में जब समस्त पांडव संपत्ति को हार गए थे, तो बाद में चल के, बाद में जाकर के विदुर जी ने ये पूछा था, कन्हैया एक बात समझ में नहीं आई, जब द्रौपदी की लाज खिंच रही थी और पूरा समाज बैठा देख रहा था, ताते पहले तो तुम मदद को आ सकते, जब पांडव हार रहे थे, समस्त संपत्ति को हारा उन्होंने, तब आकर क्यों नहीं रोका तुमने? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, चाबी, हाँ बेटी चाबी ले जाओ। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या मुझे कष्ट इस बात का रहा कि जब दुर्योधन ने अपनी तरफ से जुआ खेलने का काम शकुनी को दे दिया था, दुर्योधन स्वयं तो नहीं खेला, शकुनी खेला, तो युधिष्ठिर ने वो जवाब देने के लिए अपनी तरफ से मुझे क्यों नहीं रखा? तब मैं देखता कि पांसे कैसे पड़ते हैं। ये घमंड में जुआ खेल गए, उनका इन्हें परिणाम भुगतना था। उस जुआ में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडव हार गए थे। 1 वर्ष का जो अज्ञातवास व्यतीत किया था वो महाराज कमलनयन के यहां पर किया, विराट नरेश के। उस समय सभा एकत्रित की गई, उस सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि पांडवों का राजगद्दी का भाग कैसे मिलेगा। वहां भी भीम ने ये कह दिया था, कन्हैया सिंह प्रभु, राजगद्दी में बांट बिना लड़ाई के न कल मिले न आज मिले, नहीं मिले। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि लड़ाई लड़ना, देखिए कितना बड़ा उपदेश है, लड़ाई लड़ना अंतिम दाव है, बिल्कुल कोई रास्ता ना बचे तो तब लड़ना चाहिए। तो एक शांति दूत भेजा कन्हैया ने कि जाओ दुर्योधन से कह दो कि वो राजगद्दी का बंटवारा करते हैं, सिंहासन का बंटवारा करते हैं। तो उस दूत से, शांति दूत से दुर्योधन ने कह दिया कि मैं एक सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा, बंटवारे में एक नहीं दूंगा। उस दूत ने आकर के मने कर दिया, तो भगवान श्याम सुंदर आज स्वयं शांति दूत बने। विचार करना, ठाकुर जी जिसमें प्यार करते हैं, शांति दूत भी बन गए। भक्ति का प्रतीक ही विश्वास है। अगर आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो परमात्मा बिल्कुल तुम्हारे पास है, मदद करता है, अगर कोई उसे सच्ची भावना से बुलाए तो। बहुत कहते हैं कि सामान तो भगवान देखो ही ना, कि जने है के जन्ना है, जातर कवा याद है कि पतो ना है के ना है। अब हमने कहा देखो है कि वो मुलाकात तो वही ना है जी, और कहता है। अच्छा सही बताओ, तुमने हवा को देखा है? कौन देखी हो? कहूं ठाड़ी तो बताओ, शरीर तक जी हवा खाड़ी ठाड़ी है, केवल हम तुम उसे महसूस करते हैं। हवा जब चलती है उसी तरह से आपको परमात्मा को महसूस करना होगा। विश्वास नहीं करते उस पर,
अब की बार कोई फौजी जी कहे कि भगवान पर हमें विश्वास ना है, वो है के जन ना दिखाई ना दे, देखो ही ना है, तो उनते जो कही हो जो को जहर पे विश्वास है। ये हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया वृंदावन धाम वालों ने, कि उनसे ये पूछो कि जहर पे विश्वास है, तो वे क्या कहते हाँ है। चौंक वो खाओ का कहना भैया बातें सुनता है मत जाता है। तो धन्य भैया, जहर जैसी चीज पर विश्वास है आपको, पर परमात्मा पर विश्वास नहीं है। विश्व तो विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है, इसी का नाम कलयुग है। तो आज भगवान स्वयं शांति दूत बने हैं कि अब मैं जाऊंगा, लेकिन शांति दूत जब बने और सूचना पहुंच गई थी हस्तिनापुर में कि अब की बार कृष्ण आ रहे हैं। अब दुर्योधन क्या विचार करता है कि पांडवों के सबसे बड़े मददगार तो यही हैं जो आज आ रहे हैं, अगर कौतरे थे कृष्ण खत्म है जाए तो पांडव कितनी देर रखूं फिर। ध्यान रखना, जिसकी एक भौं का पलक हिल जाए वो पृथ्वी पलटा खा जाती है, उसे मारने का प्रयत्न बना रहा है। बताओ तो उस दुष्ट ने जहां सभा लगती थी वहां 80 गज गहरी खाई खुदवाई है और उस खाई के ऊपर एक कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया। अब सोच किया उसने अपने मन में कि कृष्ण आमे तैसी जाई पे बैठा दिया। जब चले हैं द्वारकाधीश वहां से शांति दूत बन करके, तो सामने आया कौन है, वो लड़ाई को मेंटने जा रहे हैं आज, लेकिन सामने जवाब किसने पूछा है क्या? अरे जब जाई रहे बन पारी, अरे जब जाई रहे बन पारी, ओ सन मुख आई गई द्रोप कुमारी, अरे सन मुख रोई गई द्रोप कुमारी, ओ मन मोहन शेर जगुजारी, जा कहां रहे हो? पांचाली में युद्ध रोकने जा रहा हूं, अब लड़ाई दिखाई दे रही है मुझे तुम्हारा, तुम युद्ध रोकने जा रहे हो तो मेरी सुनो पहले। बादिन कूका भूल गए हो, गजपुर भीर जुरी अति भारी, तू शासन जब खड़ो भयो, मेरे बदन तेरी खिंच रही साड़ी, को वस्त्रहीन किया जा रहा था भरे समाज में, उस समय पांचाली रजस्वला थी और केस खुले हुए थे सिर के।